राधे राधे। अरे भयंकर बोट गिरे इधर भी, दोस्त लोग पता नहीं कहाँ चला गए। इधर भी झगड़ा हो रहा है। हेलो जी नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और अभी आर्ट एंड ब्लॉग। तो मैं आया था इधर मथुरा में और ये आने का कोई प्लान भी नहीं था, पर आने का मन तो था वो कृष्णा वृंदावन मंदिर में आने के लिए, पर आज मौका मिल गया और प्लान भी वो कोई नहीं था, फिर भी मौका बन गया। तो अभी चलते इधर का फेमस मंदिर, जो कि आज एक ही मंदिर कवर कर पाएंगे। और इधर जूता उतार हमने खोल दिया और इधर गाड़ी में रख के जा रहे हैं, जूता उतार गाड़ी में रख के जा रहे। तो अभी इधर टीका लगवा रहे, छोटा सा गाड़ी पूरा। राधे राधे। तो मैंने इधर आने के लिए सोचा, तो कोई प्लानिंग वगैरह कुछ भी नहीं था, पर अभी मौका मिल गया था आ गए। और अभी जा रहे प्रेम फेमस, इधर का फेमस प्रेम मंदिर, आरती वगैरह का दर्शन करने का, तो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, पर फिर भी वृंदावन आ गए इतने ही बोलते। तो पार्किंग में इधर ही लगाना पड़ता है और इधर से पता नहीं जा रहे हैं। ये देखो आवाज़ सुन रहे हो, ये पीकॉक का साउंड है। तो गाड़ी पार्किंग में लगा के थोड़ा आगे चल के जाना पड़ेगा, पता नहीं इन लोगों को तो जाने दे रहा है, ऑटो वालों को जाने दे रहा है, पर बड़े वाला गाड़ी है ना उसको जाने नहीं दे रहा है। कुछ का दिख रहा है, खाने का तो मन कर रहा है पर अभी नहीं। छोड़ेला आते समय खा के चलेंगे। और ये देखो इधर, ओ इधर का बैग बहन करतूत कर रहा है दोरी के ऊपर, एक मिनट। ये देखो तो मैंने परसों ही माइक लिया था, पता ना कमेंट में साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। और हम पोस्ट तो चुके, पर अभी अंदर जाने के लिए गेट ढूंढ रहे। और पार्किंग के में लगाने के बाद ना बहुत ही लंबा चलना पड़ रहा है, कम से कम आधा किलोमीटर तो हो गए। पानी पूरी देके मुंह में पानी आ रहा है, इधर भी दिखा रहा है। बोल चैलेंज चाहिए होगा आपको ना। तो गेट तो इधर भी है पर इधर से अंदर जाने नहीं दे रहा है। और ना इधर इतना गर्मी है ना, कसम से मैं और काला भेष लगा के आ गया। और इधर तो आप लोग टी शर्ट वगैरह भी ले सकते। मैंने घर में छोड़ दिया वो जो केदारनाथ वाला था, पर इसमें राधा राधा लिखा है, जो मैंने खरीदा उसमें महाकाल लिखा था। और देखो ये कितना भीड़ है। मैं जहाँ पे जाता हूँ ना इधर वहाँ भीड़ हो ही जाता है, पता नहीं क्या है। एक्चुअली में ना जूता इधर खोलना चाहिए था, पर हम लोग उधर ही खोल के आ गए और पैर बहुत जल रहा है। अरे भाई साहब कैसे जाएंगे अंदर, ये देखो नजारा बहुत भीड़।
अरे भयंकर बहुत भीड़ है इधर भी। हम इधर से आने वाले हैं। इस वाला भैया नहीं इधर से मार देते हैं। जबरदस्ती नंगे आ रहे हैं। बाहर जाओ बाहर। अरे यार दिल खोजो का यार इधर देखना जरा देख के ये चेक करो। ये चेक करो कितना बढ़िया दिख रहा है यार। अरे ये फोटो ले लेती। कसम से। अरे इधर भी हेलो ये देखो ये ना पूरा कसम से दिल खोल रखा है देखो ये कृष्णा के ऊपर कृष्ण भगवान दिखाई जा रहा है। उसके बाद इधर बढ़िया से गार्डन बना रखा है और ये मंदिर के इस लाइन से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पर ये मंदिर के इधर पता नहीं किस किस का चप्पल वक्ल पड़ा है इधर अंदर ढूंढ रहा होगा। अच्छा वाह हमने जूता उधर ही खोल के आ गए। और मेरा दोस्त लोग पता नहीं कहाँ चला गया है। वो सिर्फ स्टिक लाने नहीं दे रहा था पर मैं जबरदस्ती करके लाए। चेक करो तो लाइट के वजह से ना ये मतलब एक मिनट दो मिनट में अपना कलर चेंज कर रहा है। ये बहुत बढ़िया था। अभी तक रेड था उसके बाद ब्लू हो गया अभी फिर ये पता नहीं क्या जल्दी वाशे तो इधर से ऐसा नजर आती है। अभी तक ब्लू में था अभी देखो हो गया। तो मेरा दोस्त लोग पता नहीं कहाँ चला गए। और ये शेषनाग वाला भी शुरू पड़ा है तो अभी मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ। और ये इस साइड से ना बोर्ड पर अच्छा उधर वो लाइट का फाउंटेन भी है। कितना बढ़िया दिख रहा है यार। मेरे तो फिर से ब्लू हो गया है वो शायद। अभी तो आरती देखने के लिए तो नहीं मिलेगा क्योंकि हम बहुत लेट हो गए। पर इधर फाउंटेन बढ़िया दिख रहा है बहुत बड़ा वाटर। तो इधर भोजन के साथ पानी का फ्लो भी वैसे हो रहा है। भोजन और टाइम ये पानी का फ्लो ना बहुत मैच कर रहे हैं। राधे। तो इधर ना लाइट में उसमें दिखाई दे रहा है।
तो अंदर आरती हो रहा है ना, इसीलिए वो उसका रिफ्लेक्शन इधर काउंटर में दिखाई दे रहा है। तो इधर मंदिर है देखो तो, क्या अभी ब्लू कलर में हो रखा है, और इधर फाउंटेन जो मैंने आपको दिखाया था। और ना मेरा दोस्त लोग पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसे ही घूम रखे है। देखो इधर ये देखो कितना बढ़िया दिखाई देखो। ये था जो महाभारत में कृष्ण जी और अर्जुन जी के जो बात हुआ था, और इसी के उसमें भगवत गीता पूरा किताब ग्रंथ हुआ। एक बार अंदर घुसने की कोशिश करते दर्शन करने के लिए, देखते मिलता है कि नहीं। वो जो गोपिया के साथ लीला करता था वो इधर दर्शाया है, दिखा रहा है इधर मंदिर। और ये चेक करो, महादेव का आपको हर जगह मिलेगा क्योंकि वो देवों का देव महादेव है। इधर चलते विद्या सागर मोटवानी जो हैदराबाद से आए हैं, कैलाश चंद नागरा से सूचना केंद्र पर मिले। विद्यासागर मोटवानी इधर बंदे जो हैदराबाद से आए हैं, कैलाश चंद नागरा से प्रेम साधन सामग्री से सूचना केंद्र पर आकर मिले। निवेदन है कि अपने पर्स और इधर पता नहीं क्यों नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू हो रखा है, फ़ोन भी अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा है, शायद जामर वगैरह लगा रखा होगा। इधर मेरा बंदे फ़ोन तो कर रहा है पर पता नहीं कहाँ है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो एक बार मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अंदर तो जाने को तो दे रहा है, बोलो राजे राधे। Thank you.
भीड़ है ना कसम से, गर्मी से हालात बुरा हो गया। तो अभी इतना भीड़ है ना, अभी निकल रहे क्योंकि मेरा दोस्त पूरा पहुंच गया। ठीक है चेक कर, अरे दिखाई दे रहा है। तो अभी निकलते फटाफट करके क्योंकि बहुत ही भीड़, ज़्यादा भीड़ हो गया इधर। ये देखो और अभी बाहर निकल रहे। yes, राधे 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 राधे। और रील्स बनाने के लिए सोच रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा दोस्त लोग, तो मुझे वो सेल्फी स्टिक के कारण आने ही नहीं दिया ना अंदर, और मेरा दोस्त लोग पूरा छूट गया। अभी फ़ोन किया था ऊपर अपर फ्लोर में, पर फोन ही नहीं लग रहा। तो पूरा दोस्त लोग छूट गए, पता नहीं एक बार भी नहीं मिला यार। अरे साड़ी तो इधर मंदिर है और उस तरफ फाउंटेन था, और ये देखो इधर भी है जो कि आप लोगों को मैंने पहले देखा दिया। अभी चलते हैं उधर फटाफट करके क्योंकि मेरा दोस्त लोग छोड़ के चला जाएगा मुझे। और नेटवर्क का इतना ज़्यादा इशू है ना इधर, जो भी हो ऑन प्लान था ये, पर अच्छे से घूम लिया इतना बहुत है। चलो ये फोन में जितना अच्छा दिखाई दे रहा है ना, उससे कई जगह गुना अच्छा है अपने आंखों से देखने में। तो हो सके तो एक बार विजिट जरूर करना, फोटो खींचना था, रील्स बनाना था, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे चलने में ना, सोलो चलने में ये दिक्कत होता है। ब्लॉग तो बना रहे थे पर क्या है कि रील्स वगैरह बनाने में दिक्कत आ जाता है ना, और नॉन पर्सन को फोन भी नहीं दे सकता अगर वो लेके भाग गया तो। उतना रिस्क नहीं लेना, एक रील्स के लिए थोड़ी ना फोन देना है। तो अभी फटाफट चलते हैं, मैं तो खुद का तो खा के जाऊँगा उधर, जो भी होता है चल के जाना पड़े, तो छोड़ के तो नहीं जाएगा मुझे पता है। तो अभी हम हो सके तो कल उधर एक बलराम जो कृष्ण भगवान का बड़ा भाई है ना, उनका सिर्फ भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि इधर वृंदावन में ही है, और शायद हो सके तो हम उधर विजिट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट एक बार तो चलो निकलते हैं। अगर इधर गिर गए ना तो बंदे कोई नहीं उठाएगा, कुचल कुचल के मारेगा इधर तो।
तो इधर पुचका खा के जाएंगे। भैया पुचका कितने का है? पुचका कितने का? 10 का 4 दे दो, दे दो, दे दो। तो अपना पुचका आ गया। पुचका तो बढ़िया था, पर पुचका मतलब पानी पूरी हिंदी में पुचका पुचका बोल रहा हूँ। और पुचका तो बढ़िया था, पर सिलगड़ी वाला फ्लेवर नहीं था जैसे सिलगड़ी में दाल है क्या। और अगर हो सके तो अगर कल हम अगर बलराम जी के मंदिर में गए तो ये वीडियो कंटिन्यू। तो इधर इतना गर्मी है ना मथुरा में, बाप रे। अगर दिन में आता तो मर जाता मैं तो कसम से। भैया आइसक्रीम है क्या? कौन सा है? कुल्फी है? दिखा ना, कुल्फी है, आइसक्रीम है, अच्छा वाला है। अच्छा वाला नहीं गए? अच्छा वाला है, तेरा बेस्ट। कितने का है? 30 रुपये। क्या चाहिए? आइसक्रीम खाना है? आइसक्रीम खाना है? 20 का दे दे इसको। ठीक है कट दिया दे रहा है अंकल। बाय बाय। वो दे रहा है अंकल। बाय बाय। अच्छा हो गया जूता उधर ही छोड़ के आ गए वरना तो जूता तो मिलना एक परसेंटेज का भी चांस नहीं था। उधर इतना भीड़ था कैसे जूता ढूंढेंगे। बहुत बढ़िया गया उधर छोड़ दिया गया, पर पेड़ अकचंबड़ बन गया। रोड इतना गर्म हो रखा है ना। सो हेलो जी नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेवर अभी आर्ट एंड ब्लॉग। और ये मथुरा सीरीज का दूसरा भाग है। कल हम लोग उधर से जो गए थे ना प्रेम मंदिर से आ गए थे। उसके बाद प्रेम मंदिर से आ गए थे उसके बाद रात को उधर ही सोना हुआ। उसके बाद अभी हम निकल रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था अगर इधर एक मंदिर है वो है बिश्री बालाजी मंदिर। और ये मंदिर ना मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि बलराम जो कृष्ण भगवान के जो भैया थे उनके नाम पे बनाया है। और इधर ना इतना भीड़ लगा हुआ है ना इधर भी। और ये मुझे तो पता नहीं था पर ये भी बहुत ही एक फेमस मंदिर है इधर बोल रहा है। और इसी के चलते हम इधर भी आ गए थे। ब्रह्मोत्सव का तो पूरा मंदिर तो नहीं घूम सके क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, पर जितना हो सके उतना बढ़िया एक्सप्लोर करेंगे। और देखो फ्यूट वगैरह भी इधर भी बहुत खराब है। तो जाते समय देखते हो सके तो खरीदेंगे। जो बाजार है ना बाजार तो नहीं बनेगा, इधर हर एक जगह आप लोगों को प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। कल मैं बीच में शाम को ना मंदिर से आने के बाद गुम हो गया था उधर, पता नहीं कहाँ चले गए। बंदे सभी बोल रहा था चल दिया, पता नहीं ये कि जैसा रोड 5-6 था। तो आज बोल रहा है बंदे घूमना तो ना ब्लॉक के चक्कर में बोल रहे। क्योंकि मंदिर इस प्रकार से और देख रहे हैं इधर भी बहुत ही भीड़ है। Thank you.
झगड़ा हो रहा है। इधर ना ये मंदिर के पता नहीं कितना किलोमीटर बोल रहा था, ऐसे रेंगते रेंगते आता है जो कि मैंने वीडियो में देखा था, पर आज इधर लाइव देखने का मिला। मंदिर तो छोटा ही था पर इधर बहुत श्रद्धालु आ रहा है, और क्योंकि ये इंडिया का अकेला मंदिर है ना, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और इधर बहुत मानते हैं। किचन खरीदने के लिए सोच रहा था पर पता नहीं ये लोग पता नहीं आगे आगे चलता रहता है, बरसात भी नहीं ले रहे, इसीलिए मुझे अकेला घूमने का मन करता है ना, ज़्यादा बंदे हो गए दिमाग खराब होता है। दर्शन तो हो गए मुझे, वो महाकाल लिखा हुआ एक किचन चाहिए था पर इधर नहीं मिल रहा है। तो ये ब्लॉक में कल वाला और इधर आज वाला ब्लॉक मर्ज करके डाल रहा हूँ और ये वाला ब्लॉग इधर ही एंड करता हूँ। और तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और दोनों मंदिर में से कौन सा मंदिर अच्छा लगा, और ऑब्वियसली आप लोगों को प्रेम मंदिर ही अच्छा लगा होगा, पर क्या है कि ये मंदिर है ना जो प्रेम मंदिर तो अभी अभी बना है 2010 में बन के तैयार हुआ, पर ये जो ये मंदिर है ना ये बहुत ही पुराना मंदिर और इंडिया में सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि बलराम जी के नाम पे, और इसको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। सो होप इस स्वीट से छोटा ब्लॉक में इधर ही एंड करता हूँ। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय श्री राधे।